गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम ग्रो करेंगे ये फ्रेशिया के बल्ब। ये दो तरह के बल्ब होते हैं, मतलब इसमें कलर वैरायटी जो होती है वो काफी होती है, लेकिन ये जो बल्ब है ये तीन चार कलर के बल्ब है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें सिंगल पेटल फ्लावर और डबल पेटल फ्लावर, दो तरह के फ्लावर आते हैं। ये वैसे तो अफ्रीका से है और हम इसको ग्रो करेंगे आज और आपको ग्रो करना सिखाएंगे। दोस्तों इसकी जो रूट्स हैं वो पहले से ही निकल रही हैं, क्योंकि ये मैंने अभी लगभग 10-15 दिन पहले मेरे पास ये बल्ब आए थे तो काफी हेल्दी थे, अच्छे थे, लेकिन अभी इनकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है रखे, क्योंकि इनका सीजन है लगाने का। अभी इनको हम लगा देते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत हमें फ्लावर देंगे, और आज मैं आपको सारी बातें इसकी बताऊंगा, कैसे इसके फ्लावर होते हैं, कैसा इसकी केयर होती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फ्रेशिया बहुत ही अच्छा पौधा होता है, इस पे बहुत ही बढ़िया फूल आते हैं। एक बल्ब पे लगभग 50 के आसपास फूल जो है वो आ जाते हैं। तो जब इस पे फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको रिजल्ट वगैरह पता चल सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी इसको सॉफ्ट सॉइल पसंद होती है, आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल जो आपकी गार्डन की मिट्टी है वो, और 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड, और इसके अंदर अगर आपको पास कोकोपीट है तो आप 10-15% इसके अंदर कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये था इसका सॉइल मीडिया बनाने का तरीका, और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो आपका डीकम्पोस्ट कार्डंक या वर्मी कंपोस्ट हो वो काफी फाइन बारीक होनी चाहिए, और इसको मिट्टी को डालने के बाद दोस्तों इसका जो क्योंकि बल्ब जितने भी बल्ब लगते हैं उनकी रूट्स जो है वो ज्यादा गहरी नहीं होती, सिर्फ चौड़ाई में ज्यादा बढ़ती है, इसलिए आप कोई ऐसा पॉट चूज करें जो कम गहरा हो बट चौड़ा ज्यादा हो ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा बल्ब लग सके। तो इन बल्ब को लगाना सिंपल है बिल्कुल। ये जो ऊपर आपको एक टिप एरिया दिखाई देगा और एक फ्लैट एरिया, जो फ्लैट एरिया है वो बॉटम है, और जहां से ये निकल रहा है ये टिप एरिया है, जैसे कि ये वाला, इसका नहीं निकला अभी लेकिन इसका मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो ऊपर का टिप एरिया है ये ऊपर आएगा और ये बॉटम साइड है। इस तरीके से हम अपने जो सारे बल्ब हैं वो रख देंगे। दोस्तों बल्ब के बीच में 2-3 इंच का गैप होना जरूरी है, वो आप गैप के हिसाब से रखें और बल्ब ग्रो करें। दोस्तों ये मैंने इसमें लगभग 7 बल्ब लगा दिए हैं और 2 मेरे पास बच गए हैं, तो इनको हम कहीं और ग्रो कर लूंगा मैं। लेकिन इस तरीके से लगाने के बाद अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे मिट्टी। मिट्टी दोस्तों इतनी डालनी है कि इसका जो टॉप पार्ट है वो मिट्टी के अंदर चला जाए, मतलब लगभग इसके ऊपर 1 इंच मिट्टी बल्ब के ऊपर होनी चाहिए, और ये बहुत ही जल्दी इसकी जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मिट्टी को ज्यादा आपको दबाना नहीं है, सिर्फ लूज रखना है सॉइल को, और सॉइल जो है आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। ज्यादा हार्ड सॉइल होगी, चिकनी मिट्टी होगी तो इसको निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद ये हमारे बल्ब जो है वो लग गए हैं। अब इसके अंदर हमें पानी डालना है। इसके अंदर एक बार अच्छे से इतना पानी डालें कि पूरी मिट्टी हमारी गीली हो जाए, और उसके बाद टॉप सॉइल ड्राई होने पे पानी दें, क्योंकि ये बल्ब वाले जितने प्लांट होते हैं उनको पानी की जरूरत कम होती है, क्योंकि बल्ब में वो पानी और खाना अपना स्टोर रखते हैं। और दोस्तों फर्टिलाइजर, इसको आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट से आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास बोन मील है तो आप इसको बोन मील भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। और अगर आपका कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा कि ये बल्ब कहाँ मिलेंगे, तो उसका वेबसाइट का लिंक वीडियो के टॉप पर आ रहा है, इस वेबसाइट से जाकर आप खरीद सकते हैं। काफी अच्छे क्वालिटी के बल्ब मिलते हैं इस वेबसाइट से,
तो मैंने इसी से खरीदे हैं जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मैंने उनसे कुछ पैसे लिए हैं एडवर्टीजमेंट करने के या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं आपको वैसे आपको अगर और कहीं मिल रहे हैं तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा जहां मैंने अच्छे लगे, जहां मुझे बल्ब बढ़िया लगे जिसके, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्वालिटी के हिसाब से आपको रिकमेंड करता हूं, उनकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए आपको बता रहा हूं। अदरवाइज अगर खराब क्वालिटी होती है तो मैं खुद ही मना कर देता हूं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्लांट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।